इंट्रोसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, इंट्रोसिव मैंने आपको समझाया था, जो हमारी अर्थ सरफेस के अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, दे आर नोन एज इंट्रोसिव वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स या फिर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स दो वीडियोस में समझाए थे, मैं इसी वीडियो में आपको सारे इंट्रोसिव लैंडफॉर्म्स को समझा दूंगा एक एक करके। पहले समझ लेते हैं ये इंट्रोसिव क्या होते हैं। तो आप उस लेक्चर को रिकॉल करेंगे जिसमें मैंने आपको समझाया था कि प्लूटोनिक रॉक्स और इग्नीस रॉक्स में फर्क क्या होता है। जो हमारी सरफेस के अंदर बनती हैं, दे आर नोन एज प्लूटोनिक रॉक्स। तो आज मैं आपको सिर्फ प्लूटोनिक रॉक्स के बारे में समझाने जा रहा हूं। तो प्लूटोनिक कब बनेगी? जब वो इंट्रोसिव वॉल्केनिज्म के कारण बनती है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखता है, ये मेड विद इंट्रोसिव वॉल्केनिज्म व्हेन मैग्मा बिकम्स सॉलिड विद इन द क्रस्ट। ये भी वॉल्केनिज्म से ही बनती हैं, बट कभी कभार हमारा जो लावा है वो सरफेस से बाहर नहीं आता है, तो अंदर ही वो ठंडा हो जाता है। हमारी अर्थ सरफेस के नीचे ही उसकी सॉलिडिफिकेशन होती है और वहीं पर वो रॉक्स की शक्ल ले लेता है। तो जो रॉक्स हमारी अर्थ के अंदर बनती हैं लावा के कारण, उनको हम इंट्रोसिव वॉल्केनिक रॉक्स या फिर प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी मेन कैटेगरी है? हाँ, आगे इसमें एक बात और लिख रहा है कि ये रॉक्स हमें दिखती नहीं है वैसे, क्योंकि अर्थ के अंदर रहती हैं ये। सामने कब आती हैं? जब हमारी अर्थ के ऊपर एक्सेसिव इरोजन होता है, जब टॉप की मिट्टी बह करके डिस्प्लेस हो जाती है बारिश की वजह से, किसी और वजह से, ग्लेशियर्स के कारण, तो मिट्टी घिस घिस के नीचे से वो रॉक्स सामने आ जाती हैं। या फिर कभी कभार डेन्यूडेशन होती है। डेन्यूडेशन का मतलब होता है मिट्टी का घिस जाना किसी भी कारण से। ठीक है, घिस घिस के नीचे से वो रॉक्स सामने आ जाती हैं जब ऊपर से मिट्टी साफ होती है तो। ठीक है, तो ये डेन्यूडेशन और इरोजन के बाद ये रॉक्स हमें कभी कभार दिखती हैं। कौन सी रॉक्स? जो अर्थ के अंदर हैं, जिनको हम प्लूटोनिक रॉक्स कह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मेन एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं इसकी, मतलब कितने टाइप्स की ये इंट्रोसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बैथोलिट्स। कंफ्यूज मत होना, ये नाम बड़े उल्टे सीधे हैं इसके। ठीक है, LITH, ये इनका मतलब सरनेम साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम सफिक्स बोलेंगे। लगभग सभी के साथ लिथ लिथ लगा हुआ है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो आप आसान भाषा में समझेंगे। बैथोलिट्स सबसे बड़ी रॉक की जो टाइप है वो बैथोलिथ होती हैं। अर्थ के अंदर जहां पर मैग्मा चैम्बर होता है, मैग्मा चैम्बर में बहुत ज्यादा मैग्मा इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो उस शक्ल में जो रॉक्स बनती हैं, जो मतलब पूरे जो बेस को कवर करती हैं, उन बड़ी रॉक्स को हम बैथोलिथ्स कहते हैं। ठीक है, आप एक बार ना इस पूरे एक बार इमेज को देखोगे, और इसमें सारी ये जितनी भी टर्म्स हैं वहां यहां पर दे रखी हैं। ठीक है, आप एक एक करके सबकी पहले शक्ल देखोगे, इसका स्ट्रक्चर, इसका डिजाइन देखोगे, उसके साथ इनके पूरे नाम भी लिखे हुए हैं, तो आप एक बार इनको देख लोगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बैथोलिथ्स की। सबसे बड़ी रॉक्स होती हैं हमारी अर्थ के अंदर बनने वाली ये बैथोलिथ्स। ठीक है, जैसे मैग्मा चैम्बर में ढेर सारा मैग्मा इकट्ठा रहता है, इसी तरह से हमारी अर्थ के अंदर जब वो मैग्मा की शक्ल में जब रॉक्स बन जाती हैं बड़े बड़े बेस वाली, उन बड़े बेस वाली रॉक्स को हम बैथोलिथ्स कहते हैं। तो इसमें क्या लिखता है, ये व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैग्मा सॉलिडिफाइज एट द बेस ऑफ अ माउंटेन। देखो, माउंटेन कैसे बनेगा? वॉल्केनिज्म से। उस माउंटेन के नीचे का पूरा जो बेस होगा ना, वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है मैग्मा के कारण। मैग्मा वहां पर जम जाता है और रॉक की शक्ल ले लेता है। तो उस बड़ी सी रॉक को हम क्या बोलते हैं, ये सर्कल में आप देखोगे, इस वाले रॉक को हम क्या बोलेंगे, बैथोलिट्स। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बात आती है लैकोलिथ्स की। अब ये लैकोलिथ क्या होती हैं? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स मेड व्हेन मैग्मा पुशेस ओवरलेइंग सरफेस। कभी कभार क्या होता है, मैग्मा नीचे से चल पड़ता है ऊपर बाहर निकलने के लिए, बट इसको ऊपर रास्ता मिलता नहीं है, तो ऊपर से रॉक्स ने इसको कवर करके रखा होता है। तो ये क्या करता है कि कवरिंग रॉक्स को नीचे से पुश करता है, तो उनको ये तोड़ तो नहीं सकता, पर एटलीस्ट ये थोड़ा सा डोम की शक्ल ले लेता है, अंदर पुश करेगा ना नीचे से, तो थोड़ा बहुत रॉक को ऊपर उठाएगा वो, तो रॉक जो है वो क्या करती है, एक डोम की शक्ल ले लेती है। तो वो जो डोम लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं अर्थ के अंदर पर, ठीक है, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, सरफेस के अंदर की बात कर रहा हूं, तो उन डैम लाइक सॉरी तो उन डोम लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, लैकोलिथ्स बोलते हैं। बैथोलिथ सबसे बड़ी रॉक्स जो बेस पे बनती हैं, लैकोलिथ जो डोम शेप की छोटी रॉक्स होती हैं हमारी अर्थ के अंदर। नंबर थर्ड बात आती है लैपोलिथ्स। अब ये लैपोलिथ्स क्या होती हैं? जो हमने डोम शेप रॉक्स पड़ी है ना लैकोलिथ्स में, तो लैकोलिथ ऊपर डोम बनाती हैं, ये नीचे डोम बनाती हैं, ऐसे प्याली सी बनती है इनकी। तो उस प्याली वाली जो शेप की रॉक्स होती है हमारी अर्थ के अंदर, उनको हम लैपोलिथ्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सॉसर शेप रॉक्स होती हैं हमारी अर्थ के अंदर बनने वाली। ठीक है,
बैथोलिथ सबसे बड़ी रॉक्स, उसके बाद लैकोलिथ्स जो डूम बनाती हैं ऐसे, और उसके बाद लैपोलिथ्स जो सॉसर की शक्ल लेती हैं, अंदर से डीप होती हैं, साइड से ऊंची होती हैं, अर्धचंद्राकार में, ठीक है, उनको हम लैपोलिथ्स कहते हैं। उसके बाद बात आती है डाइक्स की। तो डाइक्स क्या होते हैं? ये वर्टिकल पिलर्स ऑफ सोलिडिफाइड मैग्मा। यहां देखो आप लोग, ये जो वर्टिकल जो पिलर्स है ना बीच में रॉक्स में से, जहां कहीं इनको क्रैक मिलता है तो लावा उस क्रैक में से भी ऊपर निकल जाता है, ठीक है, उस क्रैक में से ऊपर निकलता है तो एक पिलर की शक्ल ले लेता है ये, क्योंकि रॉक में जो फ्रैक्चर था उस फ्रैक्चर में क्या भर गया, मैग्मा भर गया। मैग्मा भरने के बाद वो सॉलिडिफाई होकर के रॉक की शक्ल ले लेता है। तो उस पिलर की शक्ल की जो रॉक होती है हम उसे डाइक्स कहते हैं। उसके बाद आती है सिल्स। डाइक्स जो है वो वर्टिकल पिलर हैं और जो सिल्स हैं ये हॉरिजेंटल पिलर हैं, ठीक है, ये यूं मान के चलो आप। सिल्स में लिखता है हॉरिजेंटल शीट्स ऑफ मैग्मा। ये देखो जो सीधी सीधी शीट्स है मैग्मा की, इनको हम सिल्स कहते हैं। तो एक बार फास्ट रिकैप्चुलेट आपको करवा रहा हूं मैं। हमने पांच लैंडफॉर्म्स को पढ़ा है। सबसे पहले बैथोलिथ, सबसे बड़ी रॉक्स जो बेस पर पाई जाती हैं। उसके बाद लैकोलिथ जो डोम की शक्ल की रॉक होती हैं। उसके बाद लैपोलिथ्स जो अर्धचंद्राकार में डीप रॉक्स होती हैं। उसके बाद डाइक्स जो क्रैक्स में वर्टिकल पिलर खड़े होते हैं उस टाइप की रॉक्स को हम डाइक्स कहते हैं। और जो ऐसे सीधी हॉरिजेंटल शीट्स में मैग्मा जम जाता है उन हॉरिजेंटल शीट्स को हम सिल्स कहते हैं।